अमरोहा स्टेबलाइजर की बॉडी बनाने के कारखाने में फटा घरेलू सिलेंडर, एक व्यक्ति की मौत, दो घायल। देहात थाना के सामने स्थित स्टेबलाइजर की बॉडी बनाने के कारखाने में सिलेंडर फटने से लगी आग में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दो व्यक्ति घायल हुए हैं। बता दें कि जनपद अमरोहा में थाना देहात के सामने स्टेबलाइजर की बॉडी बनाने के कारखाने में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक कारीगर की जलकर मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। यह पूरी घटना सदर कोतवाली इलाके के कैलसा मार्ग की है। सूत्रों के मुताबिक मिली सूचना से विस्फोट का कारण घरेलू सिलेंडर में आग लगने से बताया जा रहा है। कारखाने में विस्फोट हुआ था, क्या है मामला? ये थाना नगर क्षेत्र में इन्वर्टर और स्टेबलाइजर की बॉडी बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री थी, जिसके बॉयलर में विस्फोट हो जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और दो तीन व्यक्ति घायल हो गए। सर, घरेलू सिलेंडर बताया जा रहा है जिसमें विस्फोट हुआ है, सिलेंडर का उपयोग कर रहा था सर वहाँ पर? अब इसकी जांच की जाएगी, जो भी इस संबंध में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।